इधर रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएफआरडीए से 17,240 करोड़ रुपए लौटाने की मांग की है। वित्त सचिव ने एनपीएस अंशदान लौटाने की मांग रखी है। राशि लौटाने के लिए पीएफआरडीए के चेयरमैन को पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का फैसला लिया गया था और अब ये राशि राज्य को वापस लौटा देना चाहिए। ये बात खुद कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख ने कही। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया है कि वे अपने राज्य के कर्मचारियों की जो पेंशन योजना पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था उसे फिर से चालू करें। पुरानी पेंशन के बंद होने के बाद लगभग 17,200 करोड़ रुपए विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास में राज्य के कर्मचारियों के अंशदान का जमा है, उसे राज्य सरकार को वापस कर दिया जाए। क्योंकि अब नई पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने के नए नियम के बाद जीपीएफ का एक अलग खाता खोला जाएगा, जिसके माध्यम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद में उन्हें पेंशन दिया जाएगा।